शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो चुका है। सुबह से ही गढ़वा जिला के प्रसिद्ध मां गढ़देवी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि गढ़वा जिला मुख्यालय के बीच शहर में स्थित मां गढ़देवी मंदिर की महिमा न सिर्फ झारखंड बल्कि आसपास के राज्यों में भी विख्यात है। मां गढ़देवी मंदिर का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। यहाँ विराजमान शक्ति स्वरूपा माता को गढ़वा गढ़ की देवी और यहाँ आसपास की आबादी को कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि यहां पूरे साल मां के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते रहते हैं। श्री मां, पहले तो मैं बता दूं, आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे दूं आज दशहरा के प्रथम तिथि पर, और श्री माँ गढ़देवी मंदिर धार्मिक न्यास के तरफ से सभी गढ़वा वासियों को इस दशहरा के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देते हैं। आज प्रथमा तिथि पर हमारे श्री माँ गढ़देवी मंदिर धार्मिक न्यास के अध्यक्ष रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं और सचिव हमारे अंचलाधिकारी, मैं खुद हेमेंद्र कुमार सिंह इस धार्मिक न्यास का कोषाध्यक्ष हूँ। आज दशहरा के प्रथम तिथि है और हम लोग ने पूरी तैयारियाँ पूर्ण कर ली है। मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कतारबद्ध हम लोग दर्शन करा रहे हैं और माँ गढ़देवी मंदिर के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपके चैनल को, आप लोगों को जो अपने चैनल से आप लोगों ने जो न्यूज़ दिखाने का काम करते हैं। माँ गढ़देवी मंदिर के जितने भी मेंबर हैं सारे एक्टिव हैं और सारी पूरी तैयारी दसवीं तक एकम से लेकर विसर्जन तक की तैयारी कर ली गई है। हमारे मेंबर पूरे लगे हुए दिन रात एक किए हुए रहते हैं, किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट न हो। पूजा करने के लिए जो लेडीज़ का लाइन और जेंट्स का लाइन अलग बनाते हैं हम लोग। यह बहुत पहले हुआ है, इस 150-200 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का बहुत महत्व है। माता जागृत हैं और सभी का जो है सो जो भी लोग मानते हैं, जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं, माता उसे ज़रूर पूरा करती है। यहाँ अगल बगल के सभी राज्यों से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, दूर दूर के, और महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। बहुत